जो मुसलमानों के नबी थे उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, वो तो उनसे पहले के थे। मुसलमानों के नबी हैं, उनके वालिद का वो तो मुसलमान ही थे ना, उनका नाम अब्दुल्ला था, तो फिर मुसलमानों का तो ना हुआ ना, ये तो मुसलमानों से पहले का नाम। जब आदम अलैहिस्सलाम यहाँ आए ना, वो यहाँ जद्दा में यही इनका मलाप हुआ था, यही मई हवा था, जो उनकी जुबान थी ना वो सुरैनी थी, वो सुरैनी जुबान उसको बोलते हैं जो अल्लाह फरिश्तों से बात करता है, जो अल्लाह की अपनी जुबान है ना उसको सुरैनी बोलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम भी सुरैनी जानते थे, वो इसी अरब के इलाके में थी, अब वो सुरैनी में अल्लाह ही कहते हैं, अब अरबी तक वो अल्लाह ही कहते आ रहे हैं उसको। जब वो अंजील आई तब भी ईसा रूह अल्लाह था, तौरात आई तब भी मूसा कलीमुल्लाह था, यानी अल्लाह का। फिर अब जिस तरह वो अरबी जबान वो सुरैनी बिगड़ती गई, अब वो अरबी और फारसी बन गई, अरबी फारसी और पश्तो ये सुरैनी का बिगड़े हुए अल्फाज। उसके बाद फिर अंग्रेज आया, उसने अपनी जुबान में अल्लाह को अल्लाह नहीं कहा, उसने गाड कहा ना, और तुम लोगों ने अपनी मेहराम कहा। अब जिसको हम मानते हैं उनको ये भी मानते हैं, ये पढ़ते हैं कि अपने कसीदे में है शंकर जी दुर्गा माई, पढ़ते हो ना वो, ये तो हमारी मौत भी रस्ती है, हमको पता ही नहीं है दुर्गा माई किसको बोलते हैं, फातिमा तो जरा शंकर जी किसको बोलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को बोलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को शंकर जी बोलते हैं, दुर्गा माई फातिमा तो जरा बोलते हैं, ये तो उनके बड़े अदब से उनके नाम पकारते हैं, अपने कसीदों में पढ़ते हैं ये तो। अब तुम्हें भी नहीं पता ये शंकर किसको, इन्हें भी शायद नहीं पता, हम शंकर को कहते हैं, वो कसीदे में पढ़ लेते हैं, ये बात है ना। अब इसका यही हाल है कि बस अपने दिलों में अल्लाह अल्लाह बसाओ, मजमा को छोड़ो अल्लाह अल्लाह बसाओ, अल्लाह से रब्त रब्ता करो, फिर जिधर अल्लाह चाहेगा खुद बहुत ही तुम्हारा मैं इधर। अब बहुत से लोग हैं जितना बड़ा शैतान होता है ना, शैतानी काम करता है, उसको शैतान की तरफ से डायरेक्शन होती है, चोरी के लिए जाओ ना तू, तो शैतान घर वालों को सलाह देगा तू चोरी करके आ जाएगा ना, तो तुझे पलाने में शैतान तेरी मदद करेगा ना। एक आदमी था कहता मैं जब ज्यादा शैतानी आम शैतानी सोचता हूँ ना तो मुझे डायरेक्शन होती रहती है शैतान से, लेकिन कुछ ज्यादा संगीन मसला हो जाए ना तो मैं लैट्रीन में जाकर सिगरेट चुला लेता हूँ, फिर मुझे खूब डायरेक्शन होती है, सिगरेट रखनी होती है। वो किसकी तरह से होती है, शैतान की तरह से होती है ना, क्योंकि शैतानी बंदे शैतान से लेंगे ना, जब तेरे अंदर अल्लाह ने चला जाएगा तो तेरा लिंग जब अल्लाह से होगा ना तो अल्लाह की तरफ से तुझे डायरेक्शन होगी ना। अब सिर्फ ये है कि तुम जरा अल्लाह अल्लाह करने से घबराओगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जो भी नाम उसकी तरफ इशारा करता है मुकाबले है, और अगर तुम राम राम करना चाहते हो ना तो हमें उससे भी एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा माइंड जो है ना वो राम की तरफ चला जाएगा, और जो असली नाम होगा एक दिन वो गूंजना शुरू हो जाएगा। इस काम में तजर्बा है, आयरलैंड में तजुर्बा किया, कुछ लोगों ने अल्लाह अल्लाह काम करके किया, उन्होंने उनके साथ राम भी निकला अल्लाह अल्लाह भी निकला, और कुछ लोगों ने कहा हम मैं राम भी हुई तो अल्लाह ओ ईश्वर अल्लाह ना ईश्वर अल्लाह तेरा नाम राम भी तू रहीम भी तू नाम अल्लाह तेरा है राम भी तू है रहीम भी तू है ना। अब भले तुम राम राम करो भले अल्लाह अल्लाह करो चीज एक ही, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम राम भी तू। अब यहां कुछ मुस्लिम है राम के नाम से बड़े चिढ़ते हैं, कहते हैं पता नहीं खतर कितना खतरनाक नाम है, कितना नजस नाम है, लेकिन आज हम राज ये भी खोलते हैं, अलफ लाम मीम अलफ लाम रा लाम हटा दो उल्ट राम बन जाता है। बिल्कुल अलफ लाम मीम तुम्हारे कुरान का पहला लफ्ज है, आगे निशानदेही करता अलफ लाम रा, इसको भी मानते हो, इन दोनों का लाम हटा दो उल्टा पढ़ो राम बन जाता है। तो फिर ये कैसे नजस हुआ, इसलिए हमारे उलमा ने यहां तक कह दिया उधर जाएगा तेरा निकाह खत्म हो जाएगा, इनको उन्होंने डरा दिया, इनको हमारे मौलवियों ने डरा दिया, बस
वरना बहुत थोड़ा सा फासला है और इन में हम ये भी मानते हैं, ये मानते हैं ये अल्लाह नहीं है, हमने खुद बनाया है। ये कहते हैं जिस तरह उस दरख्त से मोहब्बत करता है तो जो सूरत उससे मिल जाए फिर याद वो एक ही हो तो उसकी पूजा करते हैं। नहीं है, तरह तरह के बुत बनाते हैं, बनाते रहते हो ना, हर शक्ल के बुत बनाते हैं, पता नहीं कौन कौन सा उससे मिल जाए। ये इनका जहन है, मैं भी इसकी तायद करता हूँ। ऐसा है तो सही है ना, तो लगता है हम यार अगर तू बंद करना थोड़ा सा। अच्छा मुझे दे दे बंद कर। जी सर तू बड़ा